वरना तुम रिजेक्ट हो जाओगे खाली फालतू खाली पीली का। तो बोनस टिप ये था कि हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो बनाया था कि मैं अमेरिका कैसे आया हूँ इसके बारे में तुम लोगों को बताया था, और तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा था तुम्हारा रिस्पॉन्स। और बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि वीज़ा इंटरव्यू का प्रोसेस बताओ प्लीज़, तो आज वही डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ताकि लोग बहुत लोगों को एकदम इजी हो जाए प्रोसेस उनका वीज़ा इंटरव्यू का। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ, तो आई एम श्योर वो तुमको मिस नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। मैं तुम्हें सबसे पहले अपना स्टोरी बताना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मैं वीज़ा इंटरव्यू देने गया था और उस दिन मैं पास होकर आया था भाई सीधी बात। तो हुआ ये था कि सोने से पहले मैंने थोड़ा कुछ मैनिफेस्ट कर लिया था भाई कि मुझे इंटरव्यू में पास होना ही होना है, और नो मैटर व्हाट मैं न्यूयॉर्क की एनर्जी फील कर रहा था क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में आने वाला था ऑब्वियसली। तो फिर सोच रहा था कि क्या होगा कैसा होगा वेदर न्यूयॉर्क में, और मैं उधर का मॉर्निंग फील कर रहा हूँ वैसा ऐसा वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत सोच लिया था। और बाकी ये तुम्हें बहुत हेल्प करता है, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस और तुम्हें इन द मोमेंट में एकदम मतलब प्रेजेंट कर देता है। तो उसके बाद मैं अपने एक भाई को लेके गया था क्योंकि तुम्हें कोई तो बंदा चाहिए कि जो तुम्हारा एक बैग और मोबाइल कैरी कर सके, क्योंकि उसके अंदर एक मोबाइल अलाउड होते ही नहीं है सिर्फ। तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है उधर, तुम अपने लॉकर्स खरीदोगे और फिर बहुत ज़्यादा पैसे पे करोगे 500-600 आधे घंटे के लिए, इट्स नॉट वर्थ इट। तो मैंने सोचा कि तो तुम एक प्लीज़ एक अपने भाई या तो दोस्त को लेके जाना जो तुम्हें उधर हेल्प कर सके। और फिर बाद में हुआ ये था कि एक दो घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद इंटरव्यू में चला गया, और फिर इंटरव्यू आते ही उस टाइम पे इतना नर्वस हो जाते सारे कि कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उधर इतने सारे इंटरव्यूज चलते रहते एक ही टाइम पे, लाइक 10-15 इंटरव्यूज, और तुम उधर नर्वस हो गए होगे। तो उसके पहले मैंने थोड़ा कुछ कर लिया था ऐसा चीज़ कि मैं उधर पास हो गया, और मैं तुम्हें बताऊँगा आने वाले वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा तुम क्या कपड़े पहन के जाते हो, बहुत मैटर करता है गाइस। तो मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2 बार फेल हुआ था स्टार्टिंग में 2018 में, बट इस बार मैं पास हुआ हूँ। तो मैं सोचा तुम्हें मेरा सारा एक्सपीरियंस बता दूँ ताकि तुम फेल ना हो जाओ। तो फिर मैं इस बार फर्स्ट टू टाइम्स मैंने ये गलती किया था कि मैं एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के गया था, ब्लेजर कोट, और बाद में मैं उस टाइम ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गया था, और सेकेंड टाइम भी वही हुआ था, और थर्ड टाइम मेरा वीज़ा इंटरव्यू में मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले किया था कि मुझे पता था कि भाई मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, तो थर्ड टाइम मैं अपना नॉर्मल एक क्लोथ फॉर्मल कैजुअल फॉर्मल थोड़ा पहन के गया था, और पैंट पहन के गया था, और थोड़ा बहुत अच्छे से ग्रूमिंग वगैरह करके जाओ। और उसके बाद मैं जब इंटरेक्ट करोगे प्लीज़ एकदम स्माइल और एकदम कॉन्फिडेंट रहना, कुछ नहीं होता उधर, मतलब थोड़ा नर्वस हो गया लेकिन बी कॉन्फिडेंट, वो खुद अपने आप तुम्हें पास कर देगा। अभी तुम्हें सेकंड पॉइंट के बारे में बताता हूँ मैं। सेकंड पॉइंट था कि वही जो मैंने बोला, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ज़रूर, सारे डॉक्यूमेंट्स भाई जो भी है तुम्हें, अगर DS-2019 रिसीव्ड प्लीज़ कुछ मिस मत करना, बैंक स्टेटमेंट सब वगैरह सब कुछ, क्योंकि उधर कुछ भी मांग सकते हैं, और तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है वरना तुम रिजेक्ट हो जाओगे खाली पीलेगा। वेन एवर यू गो टू द इंटरव्यूअर पहले सबसे पहला स्माइल कर देना उसके पास जाके, तो तुम एटलीस्ट एक अच्छी एनर्जी पास ऑन होगी, तो फिर तुम उससे रिजेक्ट होने के चांसेस तुम्हारे बहुत कम हो जाएंगे। और हाँ, एज लास्ट मैंने बोला था कि बोनस टिप तुम्हें ज़रूर दूंगा, तो बोनस टिप ये था कि तुम्हें उधर 10-15 इंटरव्यूज एक टाइम पे चलते रहते हैं, तो फिर अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस बाय चांस नहीं समझ आए उसने क्या पूछा, तो तुम वो जगह पे उसको वापस पूछ सकते हो, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन प्लीज, और उतने में तुम रियलाइज़ कर लेना कि मेरे को क्या बोलना है आगे, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये स्टार्टिंग 2 वीज़ा इंटरव्यू में तो बोला नहीं था, बट मैंने थर्ड अटैम्प्ट में किया था, और मैं थर्ड अटैम्प्ट में पास हो गया था भाई इसी चीज़ की वजह से। और मुझे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे थे कि Why are you going America? तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि मैं अमेरिका ये होटल में जा रहा हूँ काम करने, और इतना इतना सैलरी है, और इधर ये जगह पे होटल है, और मेरा 1 साल का इंटरव्यू है, और मेरे को 1 साल के बाद घर आना है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि
अभी फ़िलहाल क्या जॉब कर रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं इधर इसके पहले कुवैत में था, और फिर जो भी जॉब कर रहा हूँ उसके बारे में, और बाद में मैंने 2018 में भी इंटरव्यू दिया था और अभी वापस दे रहा हूँ मैं, तो शायद उससे इंप्रेस हो गया था और मेरा वीज़ा इंटरव्यू तो पास हो गया था। सो डोंट वरी, टेक इट चिल, और जिसको भी वीज़ा इंटरव्यू के टिप्स के बारे में हेल्प हुई हो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय।